रहेगा और जिस दिन वो बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा उसकी नीयत इतनी साफ होती है, वो सिर्फ एक बात जानता है कि मुझे दुश्मन को रोकना है। ये तालियां गवाह है उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये जज्बा आप लोगों के अंदर है। अगर आप लोग जिंदगी में दो व्यक्तियों को ये कन्वेंस करवाए कि यार जिंदगी में रियल से तुम शहीदों का सम्मान करो, तुम्हारा जीवन धन्य है। हम नहीं ला सकते किसी सैनिक को वापस, ना आज बनिया ला सकता है, ना यहां पर बैठा कोई व्यक्ति वापस ला सकता है। लेकिन इस कैंपस के अंदर, इस परिसर के अंदर बैठी हर बहन, हर बेटी ऐसे हजारों सैनिक खड़े कर सकती है। इतना दम इस कैंपस के अंदर इन मां बहन बेटियों में है। हम नहीं भेजना चाहते बच्चों को सैन्य, नहीं भेजना चाहते, बड़े कम होंगे, दो चार पांच नहीं है। सोचिए डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, अमेरिका में जाएंगे, फ्लैट लेंगे, लग्जरी गाड़ी होगी, गाड़ी होगी, यही सोचे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे से घर में शादी हो जाएगी, पांच छह मोबाइल होंगे, शॉपिंग करने के लिए पैसा होगा। ये रियलिटी है, ये आप लोगों का दोष नहीं है, ये सोसाइटी की मांग है। और सोसाइटी किससे बनती है? हम लोगों से बनती है। और सोसाइटी से बनता है नियम, और नियम से बनता है कानून। और जब हम ऐसी नस्लें पैदा करेंगे, ऐसा सिस्टम पैदा करेंगे, तो कानून भी ऐसा ही बनेगा जो हम चाहेंगे। हम अपने देश को तोड़ने वाला कानून बनाएंगे तो हम उसे जोड़ने की कभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है दैनिक जागरण के बिहाव पे कि प्लीज एक दिया, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सिर्फ एक दिया उस परिवार के नाम जिन्होंने आज तक आजादी से लेकर अभी तक अपनी कुर्बानी इस देश को सुरक्षित करने के लिए दी। मैं बाकी आपसे कोई अपील नहीं करता, क्योंकि आप खुद समझदार हो और दिया जलाने में भी आप समझदार हो। वो मेरे बोलने से नहीं जलाओगे, वो आपने पहले डिसाइड किया आपने जलाना, क्योंकि मेरे से पहले भी आपने अखबारों में और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ लिया कि इस बार का दिया शहीदों के नाम है।